आगे बढ़ेंगे। खबर अब पितृपक्ष से जुड़ी हुई। आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। पहला श्राद्ध है आज से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हुई है। पितरों का तर्पण आज किया जा रहा है। 16 दिन तक मांगलिक कार्यक्रम यहाँ पूरी तरह से बंद रहेंगे। इन दिन शुभ काम नहीं होते हैं। 2 अक्टूबर तक मांगलिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। महाभारत काल से पितृपक्ष की शुरुआत हुई थी और हिंदू संस्कृति में ये जो पूरा श्राद्ध पक्ष है इसकी बड़ी मान्यता है। कहा यह जाता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, उन्हें हम पूजते हैं, उनकी पसंद का खाना बनाते हैं और ये उन्हें धन्यवाद करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए पितृपक्ष होता है। महाभारत काल से ही पितृपक्ष की शुरुआत हुई थी। पितृपक्ष में आज है पहला श्राद्ध। आज से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो गई है। पितरों का तर्पण करने का ये वक्त होता है। 16 दिन तक कोई मांगलिक यानी कि कोई शुभ काम शुरू नहीं होगा। 2 अक्टूबर तक मांगलिक कार्यक्रम पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष के पखवाड़े में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए किए गए उपकारों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। इस पूरी अवधि में खानपान, आचरण और व्यवहार में विशेष परिवर्तन अपनाने पड़ते हैं। इसमें नए और शुभ कार्य करना वर्जित होता है। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रहेगा। आज पितृपक्ष में पहला श्राद्ध किया जा रहा है। पितृपक्ष में पहला श्राद्ध प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध होता है। ये श्राद्ध उन पितरों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु हिंदू पंचांग के मुताबिक प्रतिपदा तिथि को हो जाती है। इस दिन पितरों को तर्पण और पिंडदान दिया जाता है। पंडित या पुरोहित की सहायता से श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। परिवार के सदस्य पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। श्राद्ध में ब्राह्मण भोज और गरीबों को भोजन और दान देने का विशेष प्रावधान है। इन दिन में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति देवी देवताओं, ऋषियों और पितरों के नाम का उच्चारण करके श्राद्ध करने का संकल्प लेते हैं। इसमें जल में काले तिल मिलाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। इस प्रक्रिया को तर्पण कहते हैं। इसे 3 बार किया जाता है। फिर चावल के बने हुए पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किए जाते हैं। ये प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जाती है और इससे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। श्राद्ध कर्म के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है और उन्हें वस्त्र, भोजन, तिल और अन्य दान दिए जाते हैं। इसे पिंडदान से भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ब्राह्मणों को पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है। घर का वरिष्ठ पुरुष सदस्य नित्य तर्पण कर सकता है। उसके अभाव में घर का कोई भी पुरुष सदस्य ऐसा कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है।